Hey everyone, this is Priyanka and welcome to your own study channel that is the Study 24 official. आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम बात करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एनवायरनमेंट क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोस्फीयर क्या है, बायोम क्या है, इकोलॉजी क्या है, ये छोटी छोटी ये जो टर्म्स हैं लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं, इनको हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कैसे कैसे ये दूसरे से डिफ्रेंशिएट हैं और एग्ज़ाम में कैसे ये पैटर्न आता है। वैसे तो काफ़ी इजी लगता है कि हाँ एनवायरनमेंट बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने इजी नहीं आते हैं जितना इसका थ्योरी पार्ट होता है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे अपने इस कोर्स में। तो आज तो बिल्कुल हम बेसिक सी टर्म ले रहे हैं कि एनवायरनमेंट क्या है और इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि आगे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, या बोल सकते हैं कि पर्यावरण। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो वर्ड एनवायरनमेंट लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है। ये जो वर्ड लिया गया है फ्रेंच वर्ड है हमारा एक एनवीरोन, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, मतलब चारों ओर। ये जो एनवायरनमेंट वर्ड एनवीरोन वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब है सराउंडिंग एरिया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट हमारा पर्यावरण क्या है, वो सराउंडिंग एरिया है हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं उसको हम एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे अगर पर्टिकुलरली इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है एवरीथिंग दैट सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज़ जो किसी ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है मतलब उसके चारों ओर होती है उसको हम एनवायरनमेंट का नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हम ह्यूमंस हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगी, उसी को हम सराउंडिंग का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं देखना कि हाँ मेरे आगे किताब है, मेरे आगे पेड़ है, मेरे आगे कोई पशु है या कोई भी चीज़ है। मैंने आपको एक ही लाइन में बता दिया कि ये जो एनवायरनमेंट है ये हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं उसको हम एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। हिंदी में बोलना चाहें पर्यावरण क्या है, सभी वस्तुएं जिसमें जीवधारी गिरे हुए हैं। वही बात द्वारा से आ गई कि सभी जो वस्तुएं हैं हमारे आसपास, सारी की सारी जो थिंग्स हैं जिसके थ्रू हम गिरे हुए हैं, हम सराउंडेड हैं, उसको हम पर्यावरण का नाम देते हैं, उसी को हम एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट के कंपोनेंट की। एनवायरनमेंट के अंदर जो कंपोनेंट हैं इसके जो घटक हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला है एबायोटिक, जिसको हम नॉन लिविंग थिंग्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा है बायोटिक, जिसको हम लिविंग थिंग्स के नाम से जानते हैं। बायोटिक का मतलब है जो सांस ले सकते हैं, जो जीवित हैं, उसको हम लिविंग में कंक्लूड करेंगे। और जो एबायोटिक हैं बिल्कुल बायोटिक का ऑपोजिट है, जो कि नॉन लिविंग होंगे और वो सांस नहीं ले सकते हैं, उनको हम अजैविक घटक के नाम से जानते हैं और बायोटिक को हम जैविक घटक के नाम से जानते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन से, लेकिन आज हम बिल्कुल बेसिक सा ओवरव्यू ले रहे हैं। पहले बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की, जैसे एयर, हवा, लाइट, प्रकाश, लैंड, स्थल। इसके अलावा और भी हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैसे रेनफॉल है, पीएच है, टेम्परेचर है, मिनरल है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा हैं जिसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ये हो गए हमारे एबायोटिक कंपोनेंट। अगर बात करें बायोटिक की, सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि उत्पादक के नाम से जाने जाते हैं। प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ हमारे अर्थ के ऊपर एक ही स्पीसीज है, वो है प्लांट्स। प्लांट्स की एक स्पीसीज तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बोलने का मतलब है कि एक ही जो कंपोनेंट है वो प्लांट्स ही हैं जो कि प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, उसको हम प्रोड्यूसर में कंक्लूड करते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि जो हम फीमेल्स हैं या जो बाकी कुक होते हैं वो खाना बनाते हैं तो वो भी प्रोड्यूसर्स ही होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसर का मतलब है कि जो अपनी एफिशिएंसी से खाने को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, उनको हम उत्पादक के नाम से जानते हैं। और ये काम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स करते हैं, ट्रीज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। और ये जो फोटोसिंथेसिस होगी ये सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स ही करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट की, दैट इज़ द कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो हिटेरोट्रॉपिक हैं। प्रोड्यूसर्स तो ऑटोट्रॉपिक हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बनाएंगे, लेकिन कंज्यूमर जो है वो हिटेरोट्रॉपिक हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं, मतलब वो दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं। अब हम हैं, हम किसके ऊपर डिपेंड हैं, हम एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड हैं, किसके लिए, मिल्क के लिए, ठीक है, और प्लांट्स के लिए तो बिल्कुल ही हम डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, जो भी हम चीज़ें लेते हैं वो प्लांट से ही लेते हैं। अगर बात करें डिकम्पोजर्स की, डिकम्पोजर को हम सेप्रोफाइट्स भी बोल सकते हैं, जो कि डेड और डिकाइड मैटर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से अपना फूड लेते हैं, उसको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। अब कंज्यूमर्स में
प्राइमरी कंज्यूमर आ जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, हमारे टर्शरी कंज्यूमर आ जाते हैं, टॉप लेवल के जो कंज्यूमर्स आ जाते हैं, इन ये सारे के सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट के फैक्टर हैं। अब इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि बायोटिक और ए बायोटिक जो कंपोनेंट हैं, जैसे अगर बात करें ए बायोटिक की, इसमें आ गए हमारे वाटर, सॉयल, एयर, मिनरल, लाइट। और अगर बात करें लिविंग थिंग्स की, बायोटिक फैक्टर्स की, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, फंगस आ गए, प्रोटिस्टा आ गए, बैक्टीरिया आ गए या आर्किया आ गए। ठीक है, ये हमने देख लिया कि ए बायोटिक और बायोटिक क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें वैसे कुछ भी समझने वाला नहीं है, मुझे पता है कि सभी को ये आता होगा, लेकिन अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं हम उनको भुला चुके होते हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से और बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। अगर किसी भी तरह से वीडियो पसंद आए या आगे के कोर्सेज आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।